बात करेंगे देश के 15 करोड़ लोगों को सीधे प्रभावित करने वाली खबर की। अगर आपके घर में भी एसी लगा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका एसी इतनी भीषण गर्मी में किसी भी समय बम बनकर फट सकता है। आज नोएडा के सेक्टर 100 की लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी ऐसी ही वहां से खबर आई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्डिंग के एक फ्लैट में आग लग गई। वो फ्लैट आग की चपेट में आया। 10वीं मंजिल पर स्थित इस फ्लैट में आग लगने की मुख्य वजह है फ्लैट में लगा एसी, जो गर्मी की वजह से फट गया। आग इतनी भयानक थी कि पूरे फ्लैट में यह आग फैल गई। डर की वजह से सोसाइटी में रहने वाले लोग नीचे उतर आए। हालांकि बिल्डिंग में फायर सिस्टम एक्टिव था, जिसकी वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस तरह एसी फटने और आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 करोड़ परिवार में से करीब 10% परिवार एसी का इस्तेमाल करते हैं। औसतन एक परिवार में 5 लोग मान लें तो 15 करोड़ भारतीय एसी उपभोक्ता हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि 50% परिवार एसी का इस्तेमाल करने लगेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि भारत में वर्ष 2050 तक 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ एसी इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। एसी के इस्तेमाल को लेकर इस समय भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत में लोग एसी खरीदने के साथ साथ रेंट पर भी एसी लेकर के उसका इस्तेमाल करते हैं। भीषण गर्मी में एसी से ही लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। ऐसे में हो सकता है आपके घर में भी एसी लगा हो, इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि इन दिनों जो एसी ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। एसी में आग लगने की एक बड़ी वजह है एसी का ठीक से रखरखाव और इंस्टॉलेशन ना होना। एसी में खराब वायरिंग, लूज कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट एसी फटने की वजह बनते हैं। एसी में गैस लीकेज की वजह से भी ब्लास्ट हो सकता है। टर्बो मोड ऑन करके लंबे समय तक एसी चलाना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। आपके लिए उन सावधानी के बारे में जानना भी जरूरी है जिनसे एसी में आग न लगे और एसी ब्लास्ट न हो। इसीलिए जरूरी है कि एसी चलाते समय सावधानी बरतें और किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। देखिए, एसी हमेशा प्रोफेशनल या कंपनी टेक्नीशियन से ही इंस्टॉल कराएं। 600 घंटे के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विस जरूर कराएं। अगर गैस लीकेज की बदबू आए तो एसी को तुरंत बंद कर दें। हर 2 में से 3 घंटे में एसी को 2 से 5 मिनट के लिए ऑफ कर दें, उसे थोड़ा सा आराम दें। एसी का फटना न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए भीषण गर्मी के इस समय में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जी न्यूज़।